Oh my God. क्या मौसम है माशाल्लाह खूबसूरत। ओ देखो, देखिए आपने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन की वजह, सुकून से खड़ी है मज़े में, बारिश इंजॉय कर रही है। कोई नहीं, आज का व्लॉग शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें आपसे करते हैं, और वो है जी आपके, मेरे और सारे इंसानों के बारे में। इंसान की फितरत कुछ इस तरह है कि हम ना हर हाल में खुश नहीं है। गर्मी होती है तो कहते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब बारिश है तो अब हमें एक नया बहाना मिल गया कि बारिश है। लेकिन ये चीज़ें, गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश, हर चीज़ इफ़ेक्ट करती है आपके रोज़मर्रा के कामों पे। और कुछ इसी तरह जो तेज़ धूप और बहुत ज़्यादा गर्मी और वो चिपचिपा वाला मौसम था, हबस वाला, वो हमें तंग कर रहा था और हमें गाड़ी के काम कराने से, वर्कशॉप आने से और उन सारी चीज़ों से रोक रहा था। उसके बाद जैसे पिछली वीडियो में ज़िक्र किया कि उसके बाद आ गई जी ईद, और अब शुरू हो गई हैं बारिशें। और बारिशों में जिस तरह काम रुकता है वो कोई हमसे ही पूछे, क्योंकि अब जो मेन काम है गाड़ी का वो है ही सारा पेंट से रिलेटेड, तो वो बिल्कुल डेड है, हो ही नहीं सकता। बारिश हो रही है, रोज़ नमी है, हवा है, धूप निकल नहीं रही, तो डेड है। पीछे बात रही एसी की, तो एसी का काम काफ़ी हद तक हो चुका हुआ है। छोटी मोटी चीज़ें जो फिटिंग वगैरह थी वो हो चुकी हुई हैं, पाइप शाइप बन चुकी हुई हैं, अब उनका फिटिंग का प्रोसेस सिर्फ रह गया हुआ है। लेकिन बारिश का मौसम जो इस तरह का बना हुआ है, उस वजह से उन चीज़ों में भी डिले आ रहा है। तो बस इसी तरह चल रही है ज़िंदगी, और आज का दिन शुरू करते हैं यहीं से। पता नहीं आज क्या होने जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो गाड़ी की हमने करनी हैं, और देखते हैं कि आगे ज़िंदगी में क्या है करने को। बट फिलहाल अस्सलाम वालेकुम जी बॉयज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ठाक खैर खैरियत से और बहुत मज़े में होंगे, और आपका आज का दिन बड़ा अच्छा और बड़ा ठंडा गुजर रहा होगा। कैसे हमारा भी गुजर ही रहा है, आज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, क्लियर आसमान, साफ सुथरा इस्लामाबाद वाइब आ रही है। आज जो बातें आपसे करनी थी वो तो कर ली हैं। वो यार इसके अंदर बैठ के चेक करें कैसी फीलिंग आती है, स्टीयरिंग नहीं है, मीटर कितने हैवी हैं इसके, फ्यूल, वाटर टेम्परेचर, ऑयल प्रेशर, क्या बात है। हम जो आफ्टर मार्केट गेजेस लगाते हैं इसमें सारी वैसी आए हैं ओईएम। खैर जी, आज के दिन के बारे में हमें कुछ नहीं पता, सो लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी की हाल चाल है, ठीक हो ना? आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और उम्मीद करेंगे कि अब बारिशों का सिलसिला थोड़ा सा जैसे कम हो, हम दोबारा कंसिस्टेंट और रेगुलर हो जाएँ और इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने की तरफ जाएँ। अब जो आगे चीज़ें हैं वो कुछ मज़ेदार भी होने वाली हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाली हैं, तो इंशाल्लाह करते हैं सब कुछ। फ़िलहाल देखते हैं क्या है करने को। उसी जगह से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं, और काली शर्ट आज भी पहनी हुई है, लेकिन ये वो वाली नहीं है। उस दिन को और आज के दिन को हो चुके हैं जी पूरे 5 दिन, बिल्कुल ठीक सुना है आपने, 5 दिन हो चुके हैं। और जो मौसम उस दिन था वो मौसम आज नहीं है, लाहौर की कड़कती हुई और करारी धूप वापस आ चुकी है। बेहतरीन का, हाँ जी, यहाँ पे मौजूद है हमारी बीएम प्यारी, और जैसा कि अब आपको बताएं तो बम्पर पुटीन चुटीन लग गई, जो कवरिंग होनी थी हो गई हुई है, बोनट शोनट फाइनल हो गया हुआ है, ये फेंडर भी फाइनल हो गया हुआ है। इस साइड पैनल के साथ जो मसला था, वो मसला कुछ इस तरह था कि ये लगा हुआ था पेचों से, और पेचों से इसको लगाना बहुत गलत बात है क्योंकि इसकी जर्मन फिटिंग है, तो इसको अपनी जर्मन फिटिंग में बिठाना है। उसके अलावा पिछले बम्पर पे आ जाएं तो इसको भी पुटीन शुटीन लग के जिधर जिधर कवरिंग होनी थी, मंजाई शंजाई सारा कुछ हो चुका हुआ है, बम्पर भी रेडी है। उसके अलावा ये साइड पूरी ही रेडी थी, लेकिन जो बारिशों ने काम ख़राब किया है ना, वो ये है कि ये पुटीनों पे जंग आ गया है। तो इस जंग से बचने के लिए या तो हम इस पूरी साइड पर अस्तर लगा सकते हैं, या फिर हम इसको कुछ ना कुछ करके अभी फ़िलहाल
मंजाई संजाई इसी करके इसको फौरी तौर पे रैप कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम अभी फ़िलहाल इसी तरह छोड़ देंगे। जब हमने गाड़ी रैप करनी होगी तो इसको मंजाई करके एक दफ़ा सेट करके उसके बाद ही रैप किया जाएगा। इसी तरह ये वाला फेंडर भी सारा कुछ रेडी है, सारी चीज़ें, गाड़ी की जो बॉडी है वो सारी रैप होगी, बम्पर्स, साइड मिरर्स, डोर हैंडल्स, पिछला बम्पर, स्पॉयलर, फ्यूल टैंक का कैप मे भी, और उसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि ये पट्टियाँ हेडलाइट के नीचे, ये क्योंकि ये चीज़ें हम खोलना नहीं चाह रहे क्योंकि ये खुलेंगी, इसकी सेटिंग हिलेगी, फिर ये दोबारा बंद होंगी। तो गाड़ी की शो माशाल्लाह भी सेट है, सारी चीज़ें लाइने लुने काफ़ी अच्छी हैं, तो इसको हम इसीलिए ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, इन सबको करा लेंगे पेंट। ये पहली काली है लेकिन ये दोबारा होगी। उसके अलावा जो आगे हमारी दो ग्रिलें हैं जो बड़े अरसे से मिसिंग हैं, ये दोनों भी पेंट होंगी। जो पेंट हो रहा है और जो कलर होना है वो आपको इस वीडियो में पता नहीं चलेगा, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में ही पता चलेगा। लेकिन उम्मीद है कि आज के दिन में अस्तर शस्तर लग के ये सारी गाड़ी के काम शाम कंप्लीट हो जाएंगे। उसके अलावा एक अदद मैकेनिकल काम, मैकेनिकल काम कुछ इस तरह का है कि जी गुज़िश्ता कुछ दिनों से बारिशें हो रही थी, गाड़ी पे कपड़ा तो डला हुआ था लेकिन ये जो ये छोटी सी ग्रिल है ना, इसके अंदर से कि पानी शानी आता रहा, और क्योंकि इसके इश्यू यहाँ पे हैं और इनका हमने कोई पक्का इलाज भी करना है ताकि इनको कवर किया जा सके, इस इश्यू के अंदर गया है जी को पानी शानी, और उसकी वजह से गाड़ी में आ गया है जी को मसला मसाइल, जो इस तरह है कि जी इसके इंजेक्टर ना टिक 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 कर रहे थे। अब ये इंजेक्टर का टिक टिक करना खुद ब खुद इज़ नॉट अ गुड साइन, तो इसीलिए चेक करते हैं कि ये क्या मसला है। फिलहाल शौकत साहब के दवाले होते हैं ताकि वो इसको टेप अखबार करें और आज के आज अस्तर शस्तर लगा के ये चैप्टर कर दें ख़त्म। ओए होए बड़ा अरसा गुजर गया, छाँ आ गई है भाई। तो इधर पोपलू फ्रेंड की ईजी इज़ हेयर फॉर सम सॉर्ट ऑफ वर्क, और साथ पोपलू फ्रेंड की वीजल भी है इधर, बड़ा बड़ा पीछे लिखा हुआ इब्राहिम, वो बैठा गर्मी खा रहा है। पोपलू हेलो और इधर शौकत साहब ने फाइनली हमारे टेप अखबार कर दिए हैं। आप शौकत साहब की हरकत चेक करें कैसे ये सामने जो स्विफ्ट है इस पे से इन्होंने टेप अखबार उतारा है, इसके बम्पर पेंट किए और वही वाला इधर चला दिया, ये नहीं कि इधर ये नया लगा लें, इन्होंने वही वाला इधर चलाया। खैर जी बात ये है कि अब ये सब कुछ हो चुका है और अब बारी है अस्तर की, साइड पैनल हमारा सिलिकॉन से लग गया है विच इज़ वेल एंड गुड। भाई अस्तर लग जाएगा आज? हाँ जी सर अभी लगेगा, सुबह 12 बजे का मैं आया वो। सर आप बेफिक्र हो, मैंने रोटी नहीं खाई, मैंने कहा कि आज बाट साहब के पल्ले से बिरयानी खानी, नहा भी लें को टाइम निकाल के यार बस नहाने का टाइम नहीं मिलता है। सोचे ना कुछ इस बारे में, सोचेंगे साबुन ला के दोगे तो ना नहीं, उनको बोले ना यूट्यूब वालों को, यूट्यूब वाले साबुन भेजेंगे आपको, प्रेशर की तार लगाओ। मैं लगाऊंगा क्या आपने लगाना? आप ही लगाओगे, मैं लगा लेता हूँ भाई, ये कैमरा आप पकड़ लो, पोपलू पकड़ भाई। नहीं नहीं मैं लगाऊंगा, नहीं नहीं अब मैं लगा, अब आप लड़ाई है भाई, भाई फीस अब मैं लगाऊंगा, फीस हो गई। अच्छा मैंने चपेड़ मार देनी अगर सही ना लगा दे। ज़ूम करने? नहीं नहीं फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम फ्रंट बम्पर पे अस्तर लगने लगा, और इसके बाद इसकी थोड़ी सी शक्ल जाहिर होगी कि ये किस तरह का है, और मुझे तो बहुत पसंद है, आई होप कि आपको भी पसंद आए। इसके बाद अस्तर के बाद जब इसकी थोड़ी सी शक्ल जाहिर हो, इसको मिक्स नहीं करना बाद, मिक्स ही है ये आपका बोनट पड़ा है, इसके लगा के देखते हैं। अस्तर के कुछ फवायद आपको दिखाते हैं, इस तरह के ये छोटे छोटे पास आए, जरा कैमरामैन पास आए और पास आए, ये छोटे छोटे टक जो आप देख रहे हैं ये अस्तर लगने के बाद ही बज़ाहिर नज़र आते हैं, जिस तरह के ये भी क्योंकि ये बम्पर हमारा फाइबर का है, इस वजह से ये चीज़ें अस्तर लगने के बाद ही नज़र आएंगी। अच्छा है इसके बाद इसकी फिर कवरिंग की जाएगी क्योंकि इसमें फिनिशिंग लानी है, वरना इनको हम रैप ही कर लेते, इनको पेंट करने का मकसद ये है कि इनमें फिनिशिंग आए, तो इसीलिए ये मेक श्योर करना पड़ेगा, और ये करेंगे ये भाई साहब
अगर इनका मूड नहीं है तो मूड अच्छा हो। बस भाई मैं बड़ी मजदूरी कर ली है आज के लिए, इतना बहुत है, अब मैं थक गया हूँ। अब शौक साहब कुछ फाइनल लम्हात में हैं, ये साइड मिरर है, उसके अलावा ये एक डोर हैंडल है और ये वाला साइड पैनल है, उसके बाद हमारा अस्तर वाला प्रोसेस हो जाएगा कम्प्लीट। इसके अलावा जो एक अदर इशू गाड़ी कर रही थी ये ज़रा सूख जाए, उसके बाद बोनर शटर खोल के वो भी चेक करते हैं, लेट्स सी एंड लेट्स होप कि वो काम छोटा ही हो। तो जी क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम, अगले को देख रहा हूँ, बचाने का। अगला नहीं अगली है, उसने बैग में लिखा है हैशटैग गर्ल। खैर जी सीन ये था कि आई एम नॉट द स्लीप फ्रॉम द यस्टरडे एंड आई डोंट नो कि डबल सॉरी लगी है। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह। कल रात के हम सोए नहीं थे हुए, तो इस वजह से थकावट जरा ज्यादा हो गई है, रवानगी हो गई है घर की तरफ। स्कून मॉल मीठे चौल ऑन पोपलू फ्रेंड्स वीजल पोपलू फ्रेंड, छुपने का बड़ा शौक है। खैर अब सीन इस तरह का है कि आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पर। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन ब्लॉग और एक छोटी सी अपडेट आपको गाड़ी की मिल गई है। अब सीन ये है कि गर्मी तो वापस आ ही चुकी है और उसके साथ साथ जो काम शाम गाड़ी के हो रहे हैं उनको जितना कवर करना होगा उतना ही हमें वर्कशॉप रहना पड़ेगा और उतनी ही हमें हिम्मत और स्टेमिना भी चाहिए। तो वो ज़रा आपके भाई का थोड़ा सा लो था, लेकिन अगर आप मुझे फ्री मोटिवेशन देना चाहते हैं तो आई एम अप फॉर इट, प्लीज़ आप दे सकते हैं। ताकि आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको गाड़ी के नए कलर जो नया रैप होना है उसके बारे में भी पता चल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, सी यू, गुड नाइट एंड एंड।